Now, seventh adjustment. Prafulla has withdrawn goods of 2000 on 1/12/16, which is recorded in the sales as 2400. प्रफुल्ला ने ये गुड्स विड्रॉ किए हैं, सो इट इज ड्रॉइंग्स. सो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के टाइम तो इसको कैलकुलेशन में ले लिया था, रिमेंबर. लेकिन इसको रिकॉर्ड करना अभी बाकी है. सो लेट्स रिकॉर्ड. प्रफुल्ला हैज विड्रॉन द गुड्स ऑन 1/12/16. सो दिस इज ड्रॉइंग्स. ओके, ये ड्रॉइंग्स हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के टाइम मैंने इसको कैलकुलेशन में ले लिया, सिर्फ लिखना रह गया था. तो ये ड्राइंग्स है, तो प्रफुल्ला का ड्राइंग्स है, तो प्रफुल्ला के कॉलम में इसको मैंने रख दिया. ओके, ये गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, तो एक तो हुआ ड्राइंग्स, तो करंट अकाउंट में एज ए ड्राइंग्स लिखा. नाउ इसका सेकेंड इफेक्ट होता है, अगर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, सो सेकेंड इफेक्ट हम क्या करते हैं, इसको परचेज में से माइनस करते हैं. ओके, टू परचेज, ये परचेज का अमाउंट मैं बाद में रख देती हूँ, अभी यहाँ खाली लिख देते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय प्रफुल्ला. ओके, 2000 ये माइनस करना है परचेज से, हो गया ना डबल इफेक्ट. नाउ विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज 2400. अब ये है तो 2000 ड्रॉइंग्स, तो हमने ड्रॉइंग्स के डबल इफेक्ट दे दिए, बट बाय मिस्टेक ये सेल्स बुक में चला गया है, तो चलो सेल्स बुक से माइनस कर देते हैं. बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट हम बाद में लिख देते हैं, ये बाय मिस्टेक सेल्स में चला गया है ना, तो सेल्स से हटा दो. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय प्रफुल्ला एज 2400. गलत अकाउंट में गया है इसलिए माइनस किया ना, और अमाउंट 2000 की जगह 2400 गया है, तो माइनस किया. ओके, दिस इज बाय मिस्टेक इंक्लूडेड इन सेल एज 2400, सो आई हैव डिडक्टेड. बट मिस्टेक जो हुई है, अगर सेल्स पे इफेक्ट आया तो डेटर्स पे भी इफेक्ट आएगा ही. सो सेकेंड इफेक्ट ऑन डेटर्स. ओके, डेटर्स का अमाउंट ये हम बाद में लिख लेते हैं, बट बाय मिस्टेक जो चीज़ सेल्स में चली गई है, तो अगर सेल्स से माइनस हुई तो डेटर्स से भी माइनस होगी. रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक. ओके, 2400. अब ध्यान से समझो बेटा, 2000 के गुड्स विड्रॉन बाय कौन है, प्रफुल्ला. तो ये क्या हुआ, ड्राइंग्स हुआ, तो प्रफुल्ला के अकाउंट में ड्राइंग्स रिकॉर्ड किया, और ड्राइंग्स हमको क्या करना होता है, परचेज से माइनस करना होता है. ये हमने करेक्ट इफेक्ट दे दिया, डबल इफेक्ट. लेकिन बाय मिस्टेक इस 2000 को 2400 समझ के आपने उसको सेल्स माना है, तो सेल्स में से 2400 माइनस कर दो. और जब भी सेल्स अफेक्टेड होता है तो साथ में डेटर्स भी अफेक्ट होते हैं, तो सेल्स से माइनस किया तो ये 2400 डेटर्स से भी माइनस कर देंगे. ओके, तो इसमें चार इफेक्ट्स हुए, इसको बार बार वीडियो प्ले करके अच्छे से समझना. नाउ लास्ट एथ एडजस्टमेंट, वन डेटर ऑफ 2400 बिकेम इनसॉल्वेंट एंड 40 पैसे पर रुपी डिविडेंड इज रिसीवेबल. 2400 का एक डेटर इनसॉल्वेंट हो गया. ओके, और वो 40 पैसे मीन्स 40% दे रहा है, तो बाकी 60% क्या हुआ आपका, बैड डेब्ट्स. ओके, ये हुआ हमारा बैड डेब्ट्स, डेटर्स में से माइनस कर दो 1440. ओके, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया. अब सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं हम कहाँ पे, पीएल में. पीएल में एज पर द फॉर्मेट ऑन नो, रिमेंबर दिस फॉर्मेट ऑन एंड नो, मैं लिख देती हूँ आपके लिए पूरा फॉर्मेट. बैड डेब्ट ओल्ड प्लस बैड डेब्ट न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड. बैड डेब्ट न्यू कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्रायल बैलेंस में. तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट ओल्ड दिया हुआ है एज रुपीज 1000, अगर आप ध्यान से देखोगे तो. ओके, बैड डेब्ट 1000 और बैड डेब्ट न्यू अभी अभी आपने बैलेंस शीट में रखा ना,
1440. BDR new तो है ही नहीं, और BDR old कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में, और वो दिया हुआ है, चेक करना ट्रायल बैलेंस 2000. क्लियर? ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस होगा बाकी यहाँ पे. ये तो आपको आता है बेटर PDR, इसमें कुछ नया नहीं है. नाउ द एडजस्टमेंट्स आर ओवर, यानी डबल इफेक्ट्स हो गया सब एडजस्टमेंट्स का. अब ट्रायल बैलेंस देखते हैं और सिंगल इफेक्ट डालते जाते हैं. सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. तो कैपिटल हमने कहाँ लिख दिया है? बैलेंस शीट में. ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड. करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी मैंने लिख दिए हैं. उसके बाद है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में. ओके, टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं. एक्चुअली ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखना, ठीक है? आप ये ध्यान रखना, ये ऊपर आना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक. क्लियर? देन परचेज एंड सेल्स. तो जो परचेज का अमाउंट है वो परचेज जहाँ है वहाँ लिख देते हैं. आप पहले भी ये लिख सकते थे. ओके, और परचेज दिया है वो डेबिट बैलेंस होता है, और दूसरा सेल्स दिया है वो क्रेडिट बैलेंस. देन इन द ट्रायल बैलेंस इट्स गिवन गुड्स रिटर्न्ड. गुड्स रिटर्न्ड, डेबिट वाले गुड्स रिटर्न होते हैं सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट वाले होते हैं परचेज रिटर्न. ओके, सो परचेज रिटर्न इज, यहाँ माइनस कर दो, परचेज रिटर्न 12,000. ओके, और सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस कर दो, 7,000. क्लियर? अब ये प्लस माइनस करके हम बाहर ले लेते हैं, ये जो इफेक्ट दिया ना, तो नेट आ जाएगा, ये दोनों माइनस ही हैं. ओके, 1,86,000, और यहाँ पे भी ये दोनों माइनस कर लोगे तो आ जाएगा. ये तो कैलसी पे आपका आराम से हो जाएगा कैलकुलेशन. परचेज सेल्स हो गया, गुड्स रिटर्न्ड हो गए. देन इट्स गिवन कैश एंड बैंक. तो जो डेबिट साइड है ना, वो आपका है कैश बैलेंस, करंट एसेट्स. डेबिट वाला कैश बैलेंस है, दैट इज योर करंट एसेट्स 3700. और जो क्रेडिट साइड दिया है ना, कैश एंड बैंक अगर जब बोलते हैं ना, तो जो डेबिट है वो कैश बैलेंस होता है, और जो क्रेडिट है वो क्या होता है? बीओडी. ओके, सो बीओडी इज 15750. ओके, बीओडी मींस करंट लायबिलिटी. हो गया कैश एंड बैंक. उसके बाद दिया है बिल्स. तो डेबिट वाले हमारे कौन से बिल्स होते हैं? रिसीवेबल, ये ध्यान रखना. और क्रेडिट वाले कौन से होते हैं? बिल्स पेबल. सो बिल्स पेबल आर 14,000. ये तो मैं बस ट्रायल बैलेंस से कॉपी कर रही हूँ. देन रेंट. रेंट कहाँ आता है? पीएल डेबिट में. अब यहाँ आपको जो रेंट दिया है ना, वो बोला है अप टू फेब्ररी. ओके, तो ये ब्रैकेट हुई. अब फेब्ररी तक क्यों? आपका साल तो मार्च में पूरा होता है, यानी वन मंथ रेंट क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग हुआ ना. इट्स बोला है ये अप टू फेब्ररी है, हमें तो अप टू मार्च लिखना है. तो एक महीने का कम है, यानी एक महीने का आउटस्टैंडिंग है. तो ये कितने महीनों का हुआ? 11 मंथ्स का हुआ, राइट? 22,000 डिवाइड बाय 11, सो वन मंथ रेंट क्या हो गया? 2,000. इलेवन मंथ्स रेंट है, सो डिवाइड बाय 11 यू विल गेट वन मंथ रेंट, दैट इज आउटस्टैंडिंग 24,000. नाउ दिस इज टोटल ईयर्स रेंट. ब्रैकेट में दिया है, सो हिडन एडजस्टमेंट. दिस इज सिंगल इफेक्ट, वन इफेक्ट. नाउ डबल इफेक्ट, यू हैव टू गिव एनी एक्सपेंस विच इज आउटस्टैंडिंग इज करंट लायबिलिटी. ओके, ओवर. नाउ आफ्टर रेंट नेक्स्ट इज बिल्डिंग. बिल्डिंग रख देते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स में. ओके, बिल्डिंग इज गिवन एज यू कैन सी सिंपल. बिल्डिंग तो हम कॉपी कर देते हैं, 1,20,000 है ना. बस बिल्डिंग का जो अमाउंट है हमने रख दिया, हो गया.
उसके बाद है करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कहाँ पे दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में ना. तो कितने इफेक्ट्स दोगे? एक ही सिंगल इफेक्ट. तो जब एक ही इफेक्ट देना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आप देते हो पीएल अकाउंट में. ओके, जब एक ही इफेक्ट देना हो तो, और वो अगर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हो तो. ये भी ध्यान देना है आपको. ये सब बहुत अच्छा है आपकी प्रैक्टिस के लिए. ओके, कॉपी हो गया. नेक्स्ट फ्रेट. फ्रेट आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज गिवन 50 300. कॉपी हो गया ये तो. ओके,